मिलती है मिलती थी वो बैंक के द्वारा मिलती थी या कैश मिलती थी या कैसे सैलरी मिलती थी? मिलती थी सैलरी हमारी बैंक के द्वारा मिलती। हाँ जी, तो ये तो एक भारत सरकार का भी एक ये है कि भाई जितना आप काम करोगे उसका उतना पैसा मिलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, तो क्या कारण है ये भारत सरकार और दिल्ली सरकार इन बातों को नहीं मान रही है? सर इसमें ये आए 3 साल 5 साल में जो भर्ती करते हैं ये केवल भ्रष्टाचार होता है, कई कई करोड़ रुपया दिल्ली सरकार और अधिकारी मिलकर होमगार्ड विभाग के अधिकारी मिलकर कमाते हैं, इसलिए जो है जवानों की लाइफ खराब कर रहे हैं। तो 5 साल 7 साल नौकरी करने के बाद में जवान कहाँ जाएगा सर, रोड पर आ जाता है, कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे जवानों को, पुराने जवानों को लिया जाए, पुराने जवानों को बहाल किया जाए। आपका पीएफ वगैरह भी कटता था ये जब आप नौकरी थे? नहीं सर, कुछ नहीं करता था। और ईएसआई वगैरह? नहीं सर, कुछ नहीं करता था। नाम इतना बड़ा है कि हम दिल्ली के होमगार्ड हैं, हम दिल्ली की सुरक्षा करें, लेकिन आपके पास पीएफ भी नहीं और आपके पास में ईएसआई भी नहीं। तो आज किसी कंपनी के अंदर कोई वर्कर काम करता है अगर 5 से ऊपर है तो उनका ईएसआई और पीएफ कटता है, तो आपका ऐसा क्यों नहीं? सर मैं यहाँ से मोती नगर से टोनिका सिटी, आप देख सकते हैं यूपी में गाजियाबाद में टोनिका सिटी पड़ता है, मैं वहाँ पे सर्विस के लिए आता हूँ, क्योंकि पेट नहीं भरेगा, जब जवान भूखा मरेगा सब कुछ करने की तैयार हो जाता है। सर हम पिछले 2.5 साल से माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से गुहार लगा रहे हैं, माननीय राज्य गृह मंत्री सत्येंद्र जैन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन झूठे आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि हमने दिल्ली के जवानों ने इनके साथ क्या बुरा करा है जो हमारे रोजगार पर लात मार रहे हैं और हमें बार बार निकाल रहे हैं, हम भर्ती नहीं कर रहे, नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है प्रदीप जी, जैसे कि अभी आपने वो आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल का नाम लिया कि वो भी ऐसे धरने प्रदर्शन करके वो सत्ता में आए थे, तो ऐसा नहीं है कि आपको धरने प्रदर्शन पर मजबूर कर रहे हैं फिर आपका ये पगार या आपको वापस ले लिया जाए? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ये इन लोगों ने जब चुनाव के टाइम पे वादे किए थे अगर हमारी सरकार आती है तो पूर्व होमगार्डों को वापस लिया जाएगा और जवानों को पक्के किया जाएगा, एमसीडी डीटीसी के लिए किया था, लेकिन कई संस्थाओं के साथ में इन्होंने धोखा किया और बार बार झूठ बोल रहे हैं और धोखा कर रहे हैं। हम जब तक नहीं हटेंगे, चाहे ये दिल्ली सरकार हम पे गोली चलवाए जवानों पे, चाहे लाठी बरसाए, हम नहीं हटेंगे। भारत माता की।